और इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तरकाशी टनल हादसे का आज आठवां दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सीएम दामी आज तैयारियों का जायजा लेने पहुंचेंगे और राहत बचाव कार्य का स्थलीय निरीक्षण भी करते हुए सीएम नजर आएंगे। तो सीएम धावी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहने वाले हैं। वैज्ञानिकों के मंथन के बाद 5 विकल्प तैयार किए गए हैं और इन विकल्पों के जरिए ही आगे का रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। पीएम के पूर्व सचिव भास्कर कुलबे ने बैठक की है और बैठक में तमाम चीजों को लेकर यहां पर ध्यानपूर्वक रेस्क्यू प्लान तैयार किया गया है। अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। 5 अलग अलग प्लान पर काम हो रहा है और आरवीएनएल, ओएनजीसी और एरकॉन को बड़ी जिम्मेदारी इसमें दी गई है। कंपनी को वर्टिकल खुदाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि डीआरओ की टीम पहाड़ पर जाने का रास्ता बनाएगी और इस पूरे हादसे पर रेस्क्यू ऑपरेशन पीएमओ की सीधे नजर बनी हुई है। पीएमओ की टीम ने राहत बचाव कार्य का जायजा लिया है और केंद्र की तरफ से तमाम चीजों को लेकर मदद भी मुहैया करवाई जा रही है। तो लगातार आज आठवें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो देखिए किस तरीके से ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही है जहां पूजा अर्चना की जा रही है और लगातार देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ जारी है, दुआओं का दौर दूसरी तरफ जारी है। 40 जिंदगियां अंदर फंसी हुई है जिन्हें बाहर निकालने के लिए देश भर में दुआएं मांगी जा रही है। खासतौर पर जो परिवार है उनके भीतर कहीं ना कहीं इस वक्त संकट देखिए किस तरीके से उमड़ा है। 3 विकल्प पर काम लगातार जारी। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। टनल हादसे का आज 8वां दिन है और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां इस वक्त पूजा भी की जा रही है और देखिए लगातार दुआएं मांगी जा रही है कि किस तरीके से ऑपरेशन सफल हो और जो 40 जिंदगी अंदर फंसी हुई है उन्हें बाहर निकाला जा सके। तो तस्वीरें आपको लगातार उत्तरकाशी से दिखा रहे एक्सपर्ट्स के मंथन के बाद जो है 5 विकल्प तैयार किएगा। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। अजीत देखिए जिस तरीके से प्लान ए फेल हुआ, प्लान ए के बाद कहीं ना कहीं अलग जो प्रयास किए गए वो भी देखने को मिला। रेस्क्यू ऑपरेशन आज 8वें दिन भी लगातार जारी है। आज क्या कुछ शामिल किया गया रेस्क्यू में? देखिए कल प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव भास्कर खुलबे और डिप्टी सेक्रेटरी पीएमओ मंगेश घिल्डियाल और ओएनजीसी और जो अपनी जो एनएचआई टीसीएल कंपनी है और जिला प्रशासन के तमाम लोग और देश विदेश के तमाम साइंटिस्ट कल दिन भर इस मौके पर रहे हैं और सारी चीजों पर मंथन किया है। सब बिंदुओं पर मंथन करने के बाद और फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया है, भौतिक सत्यापन एक किया है कि कहां से क्या हो सकता है। तो शाम को ये नतीजा सामने आया है कि 5 प्लान पर काम कल ही शुरू हो गया था शाम के। तो एक प्लान तो देखिए वही है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक प्लान तो वही है जो मशीनें अंदर से चल रही है लेकिन वो उसका वाइब्रेशन और उनकी एनर्जी इतनी हाई है कि वो अगर चलती है तो वाइब्रेशन होने लगता है, क्रैक होने का डर रहता है। उन मशीनों को कौन सी टेक्निक से चलाया जाएगा, कितना चलाया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा जो वर्टिकल ड्रिलिंग की जिसकी बात हो रही थी उसके लिए मशीन ने रास्ता बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत ऊंची पहाड़ी है और हॉलैंड से एक मशीन आ रही है, उसको मशीन को ऊपर ले जाना है और मशीन वो ऊपर जाएगी, इसका रैंप बनेगा और कब वो मशीन आएगी तो उसका रैंप बनकर वो ड्रिलिंग शुरू होगी। ये बहुत कहना जल्दबाजी होगा लेकिन 1-2 दिन उसमें लग सकते हैं, मतलब कल वो मशीन अपना काम शुरू कर सकती है। अभी सड़क बनाने का काम हो रहा है। और तीसरा प्लान जो है जो सुरंग का जो दूसरा छोर है, दूसरा किनारा है जो बड़कोट की तरफ, वहां से भी खुदाई शुरू होगी क्योंकि उधर 400-500 मीटर सुरंग का खोदा जाना बाकी था। और जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के जो टनल एक्सपर्ट हैं उनसे बातचीत हुई है तो उनको भी वहां पर रेलवे मिनिस्ट्री ने लगा दिया है। तो जो दोनों तरफ से एक वर्टिकल ड्रिलिंग ऊपर से हो रही है, हॉरिजेंटल ड्रिलिंग भी उसके लिए भी काम शुरू हो गया है। ये देखा जा रहा है कि कहाँ मिनिमम स्पेस हो सकता है जिसकी खुदाई की जाए तो वो आज पूरा कर लिया जाएगा। उससे मतलब प्लान 5 कल ही इम्प्लीमेंट हो गए हैं, कल किसी ना किसी रूप में कल सारे प्लान पर काम शुरू हो गया है। लेकिन देखना ये है कि कौन सा प्लान सक्सेस रहता है या फिर कोई से प्लान में दिक्कत होती है, लेकिन अब उम्मीद ये है कि 5 तरह का प्लान चला है कोई एक सक्सेस तो होगा ही। तो ये तमाम चीजें हो गई, धार्मिक आस्था का भी मामला हो गया, ग्रामीणों का कहना था वहां मंदिर नहीं है इसलिए दिक्कतें हो रही, कल मंदिर भी स्थापित हो गया। इसके अलावा बहुत सारी वो चीजें जो गवर्नमेंट कर सकती है। अब
अब कोई भी परामर्श मान लिया जा रहा है कि कोई भी उपाय आप बताइए, कहीं से भी साइंटिस्ट आने हैं जो दिल्ली में मेट्रो में जिन्होंने सुरंगें बनाई हैं उनसे सलाह मशवरा हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक आए हुए हैं और नॉर्वे और थाईलैंड के वैज्ञानिक जिन्होंने 2018 में सबसे बड़ा सुरंग का ऑपरेशन करके रेस्क्यू किया था। तो सबकी कंसल्टेंसी चल रही है, लेकिन समस्या ये है कि कौन सा ऑपरेशन और कब तक सफल होगा, ये इस सवाल का जवाब किसी के पास। अजीत देखिए, बीते दिनों भी सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे जायजा लेने के लिए, आज फिर पहुंचेंगे, नितिन गडकरी पहुंचेंगे, कब का समय बताया जा रहा है कब पहुंचेंगे? जी ये दोपहर का ही समय बताया जा रहा है, अभी तो किसी तरह का कोई एकदम बहुत ही, क्योंकि सुबह यहाँ पर लैंड करेंगे वो चिंगाली छोड़ में और चिंगाली छोड़ के बाद दोपहर तक आएंगे, क्योंकि थोड़ा सड़क का भी रास्ता है। वैसे हेलीपैड भी सरकार ने बना दिया है, हेलीपैड का एसआई हेलीपैड बना हुआ है, वहाँ भी सारी चीजें हो सकती हैं। तो अब दिन में उनका दौरा होगा तो अपना समय तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन दोनों लोगों का आना ये एक बड़ी बात है। और वहाँ पर एक चीज इसमें और हो गई है कि जितना वीआईपी मूवमेंट वहाँ हो रहा है उतना ही सामने का भी हो रहा है अजीत, क्योंकि तीन जो प्रस्ताव है जिनके ऊपर, तीन विकल्पों के ऊपर काम किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती क्या अभी रेस्क्यू टीम के सामने है? देखिए रेस्क्यू टीम के सामने एक ही चुनौती है, एक ही तरह की चुनौती है, और वो चुनौती वो है जो अंदर जो मशीन काम कर रही है उनके सामने जो चुनौतियां हैं, उसी तरह की चुनौती वर्टिकल ड्रिलिंग में भी है, हॉरिजॉन्टल में भी है, क्योंकि जब उनके उस मशीन के सामने अगर कोई कठोर धातु आ सकती है तो ऊपर या सब बराबर से भी आ सकती है, लेकिन ऊपर और बराबर से एक अलग बात ये रहेगी कि वहां से वाइब्रेशन से सुरंग की छत पर या उसके कंस्ट्रक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक अलग बात होगी कि बाहर से जो खुदाई होगी उससे जो अंदर कंस्ट्रक्शन है, और फिर क्योंकि डीजल की मशीनें धुआं बहुत फेंकती है, सुरंग में धुआं धुआं हो जाता है, जोश की इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, तो बाहर से जो ऑपरेशन चलेगा वो थोड़ा सा ज्यादा मुफरीद लगता है, जिसमें हम सात आठ दिन से यहाँ कवर कर रहे हैं, बातें हो रही है, और हम भी कुछ पत्रकारिता के तौर पर कुछ ना कुछ सुरंग के बारे में हर रोज लोगों से बात होती है, साइंटिस्ट से बात होती है, ठीक है। जो बाहर से जो ड्रिल करने की बात है, अगर वो आसानी से हो जाता है वो ज्यादा अच्छा। निश्चित तौर पर, और 40 जिंदगियों की जो बचाने के लिए जंग चलाई जा रही है, मैं चाहूंगी कि आप पल पल के अपडेट हमारे दर्शकों को दे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। टनल हादसे में फंसे 40 मजदूर 8 दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ जहां राहत बचाव कार्य में जुटे लोगों ने जिंदगी की इस जंग को जीतने के लिए अपनी पूरी जान झोंक रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ सुरंग में फंसे मजदूर धीरे धीरे उम्मीद हारते जा रहे हैं। इंदौर से उत्तरकाशी पहुंचे ड्रिलिंग मशीन ने काम शुरू कर दिया है और अब तक 24 मीटर से ज्यादा की ड्रिलिंग भी की जा चुकी है। नॉर्वे थाईलैंड की विशेष टीमों, कई विशेषज्ञों की सलाह और वैज्ञानिकों के सुझाव के बाद रेस्क्यू टीमें दिन रात राहत बचाव कार्य में जुटी है। एक तरफ जहां उत्तराखंड सरकार बचाव कार्य पर नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं पीएमओ से भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर पल पल की निगरानी रखी जा रही है। टनल हादसे को लेकर पीएम के पूर्व सचिव भास्कर कोलबे ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों और वैज्ञानिकों के साथ हुए मंथन में 5 विकल्प तैयार किए गए, जिसके बाद RVNL, ONGC और इरकॉन को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई। साथ ही बीआरओ की टीम को पहाड़ पर जाने के लिए रास्ता तैयार करने का काम दिया गया। वहीं पीएमओ की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य का जायजा भी लिया। टनल में फंसे मजदूरों से मानो कुदरत भी खफा हो, तभी तो कभी मशीन का खराब हो जाना तो कभी भूकंप के झटके बचाव कार्य में अड़चन बनकर बार बार सामने आ रही हैं। पाइप के जरिए मजदूरों तक खाना पानी तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इस मुश्किल से वह निकलने की उम्मीद पाइप में ही अटकती जा रही है। मजदूरों को बाहर निकालने में अभी कितना समय लगेगा इसका तो अभी अंदेशा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन रेस्क्यू टीम की जान झोंक देने वाली कोशिशें और देश के लोगों की दुआओं ने उम्मीद बनाई हुई है कि जल्द ही सुरंग में जिंदगी की जंग लड़ रहे मजदूर बाहर आ जाएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट।